आपने गुजरात अहमदाबाद से आकर और दिल्ली के अंदर एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया है कि जो एक सुपर स्टार की तरह यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठे हो गए हैं, इसे आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपने कहा कि आज आपको चीजें बताएंगे, कुछ सूत्र बताएंगे, और ये भी कहा कि यहां खड़े होकर के बताएंगे। अब इन दोनों का वैज्ञानिक रहस्य बताता हूं, ध्यान से सुने और पीछे लोग बैठ जाए, क्योंकि ये काम के सूत्र हैं। अभी आपने देखा होगा कार्तिक जी को, वो ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आपने देखा ना एक जगह खड़े होकर नहीं बोल रहे थे। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्योंकि एक जगह खड़े होकर के नहीं बोल पा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, कभी ऐसे चल रहे थे, कभी ऐसे चल रहे थे। मैं इनको बड़े ध्यान के साथ गौर कर रहा था और फिर उन्होंने कहा वहां से नहीं बोल रहा है, इधर से बोल रहा है। अब इसके आधार को समझने की आवश्यकता है। अगर मैं यहां ऐसे खड़ा रहूंगा और इस तरीके से मैं बोलूंगा और अगर मुझे आधा घंटा या एक घंटा बोलना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं और जिसकी वजह से मैं खड़ा होता हूं वो होता है अपान प्राण, और अपान प्राण हमारे मूलाधार के पास होता है और अपान प्राण हमारे शरीर के अंदर ग्रेविटी फोर्स तैयार करता है और ग्रेविटी फोर्स हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ संघर्ष कराती है और संघर्ष कराने के कारण हम अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। अगर हमारा प्राण कमजोर हो जाएगा तो हम खड़े नहीं हो सकते और हम बैठ जाएंगे। इसलिए कार्तिक भाई यहाँ पर जो ये सहारा लेना पड़ता है ना, ये सहारा ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि आपका 50% जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस पोडियम में कंट्रोल कर लिया है और आपको बोलने में जो एनर्जी कंज्यूम होनी है, अब मैं जो बोलने में एनर्जी कंज्यूम करूंगा वो आधी एनर्जी मेरी पृथ्वी अपनी ग्रेविटी फोर्स में खींचेगी और मुझे ऐसे खड़े होना पड़ेगा। ऐसे अगर खड़ा हो गया तो मैं लुढ़क भी सकता हूं। दैट इज व्हाई जब भी आप ध्यान में बैठोगे, जब भी आप ध्यान एकाग्रता करते हो तो हठ योग के अंदर जब ऐसे ध्यान योग में जाते हैं तो आदमी की सबसे ज्यादा ऊर्जा कंजम्पशन अपान प्राण से होती है। आदमी की जब मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उसका अपान प्राण जाता है। भाई बातें नहीं, पीछे बातें नहीं, ये कमांडो लोग ये पीछे बातें नहीं, आराम के साथ बैठ जाइए, ये काम की बातें हैं। अभी सबसे पहले जब व्यक्ति की प्राण शक्ति कमजोर होती है ना तो पहले अपान प्राण टूटता है। अपान प्राण का मतलब है कि आपका मूलाधार चक्र डैमेज होना शुरू होता है और धीरे 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 जब मैं थकना शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं इस तरीके से बैठ जाऊंगा। इसका मतलब पृथ्वी ने मुझे अपने ग्रेविटी फोर्स के अंदर खींचने की कोशिश की और मैं पृथ्वी से संघर्ष करता रहा और जब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा जब तक मेरे प्राण शक्ति यानी मेरी अपान प्राण मजबूती के साथ रहेगी। इसलिए मैं जितनी देर बोलूंगा ना तो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए मैं इधर ही आ जाता हूं। मैं कार्तिक भाई की बात का उल्लंघन करते हुए मैं कंफर्टेबल रहूंगा। आपने देखा, ये मैंने वैज्ञानिक आधार बताया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पोडियम रखिए। अगर आप पोडियम रखेंगे तो आपका हाथ इसके साथ टच रहेगा या इधर टच रहेगा तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो कम कंज्यूम होगा। मित्रों मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी हिम्मत को कि उन्होंने आज एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज, वो वाकई बहुत विद्वान हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से BHU से पढ़ाई की है और उनके मंत्रों का उच्चारण आपने देखा है। यहाँ पर उनके सहयोगी के रूप में भरत भाई जी, वो मेरी बगल में खड़े हैं, थोड़े साइड में आ जाएं तो सबको दिख जाएंगे आप, वैसे तो आपको सब जानते ही हैं। ये भरत भाई जी हैं, बड़े विद्वान हैं, ये भी
गुजरात के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्म उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, परवीन सोनी जी, मानविंदर जी, राकेश डागर जी जो यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं। एक श्लोक है, उसको आप समझेंगे तो कार्तिक भाई ने जो मेरे को पॉइंट दिया वो आपको समझ में आएगा। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नराभरा, ध्यान से सुनना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नराभरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये जगत जो पूरा है ग्रहों के अधीन है। अगर ग्रह घूमते हैं, ग्रहों की युति होती है, तो एक मिनट के अंदर युद्ध होना शुरू हो जाता है इजराइल और हमास का। हमारे बीच में अरुण बंसल जी, जयप्रकाश लाल धागे वाले जी बंबई से पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम नराबरा, ये चर जगत ये भी ग्रहों के अधीन है। और काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, जो के कार्तिक भाई जी ने कहा था, काल ज्ञानम समय, ये समय भी ग्रहों के अधीन है। और ग्रह कर्मों का फल हमें देते हैं। मेरे से पूछा कि मैं यहां कैसे पहुंच गया, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आप। एक साधारण आदमी, उसकी 8 घंटे की जॉब होती है, 8 घंटे में उसको आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, 7 घंटे, 7 घंटे में 3-4 बार वो पेशाब करने जाता है, 15-15 मिनट वो निकाल दो, 6 घंटे, 6 घंटे में भी काम चोरी करता है, यानी लेट जाएगा आधा घंटा, लेट पहले हाथ धो लेगा, उसके बाद मोबाइल पे भी बात करेगा आधा पौना घंटा, 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर 4 घंटे वो काम करता है, और 4 घंटे में 50% उसका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल से 4 घंटे काम करता है, और 4 घंटे के अंदर अंदर वो सोचता क्या है, वो अपने प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचता। अगर आप 4 घंटे की जगह अपने 8 घंटे काम करना शुरू कर दो, प्रॉपर 8 घंटे, तो जो फैक्ट्री के अंदर, जो ऑफिस के अंदर आपकी परफॉर्मेंस है, आम आदमी से डबल हो जाएगी और आपकी प्रमोशन होती चली जाएगी। अगर आपने 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि 3 आदमियों के बराबर अकेले काम कर रहे हैं। और अगर आपने 18 घंटे काम करना शुरू कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी कंपटीटर हैं, जितने भी लोग, उनसे ऊपर उठना चाहते हो तो आप उठ सकते हो। इसका मतलब आप जितना ज्यादा एकाग्रता के साथ काम करोगे, एक जीवन में एक व्यक्ति एवरेज 4 घंटे काम करता है, और एवरेज आप 8 घंटे काम करते हो, तो आम आदमी से आप 2 जन्म का काम ज्यादा करोगे, 2 जन्म का। यानी जो एक व्यक्ति 1 जन्म में काम कर सकता है, अगर आपने प्रॉपर 8 घंटे काम किया, तो आप 2 जन्म के बराबर काम करोगे, और अगर आपने 12 घंटे काम कर लिया, तो 3 जन्म के बराबर काम कर लोगे, और अगर आपने 16 घंटे काम कर लिया, तो 4 जन्म के बराबर काम आप इस जीवन में कर सकते हो। अगर आपने 4 जन्म के बराबर काम कर लिया ना, तो फिर आप भी अमर हो जाओगे, आप भी केपी साहब की तरह, बीबी रमन साहब की तरह, आर्यभट्ट की तरह, उनकी तरह आपका जीवन भी अमर हो जाने वाला है। अगर आप भी इसी प्रकार से पिक्चर देखते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, और आपने किताबों का अध्ययन नहीं किया,
अगर आपने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया तो फिर आप ज्योतिषी तो रहोगे लेकिन एक जन्म के रहोगे, और इस ज्योतिषी रहते हुए आपने 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अध्ययन किया तो आम ज्योतिषियों में आप ऊपर हो जाओगे। मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल में जॉब करता था, 8 घंटे के काम को 2-3 घंटे में निपटा के बैठ जाता था और अपनी किताबों का अध्ययन करता था। मालिक लोगों को लगता था ये खाली बैठा रहता है, जबकि काम कंप्लीट करता था। मुझे लगा कि ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दी और मैं ज्योतिष के फील्ड में प्रॉपर अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करते करते मैंने प्रिडिक्शन शुरू नहीं करी, मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरा विद्यालय चलते थे, 4-4 क्लासें चलती थी, 400-400 लोग एक एक दिन में 4 क्लासों में होते थे। उसके बाद जब आस्था टीवी शुरू हुआ तो आस्था टीवी पर, उससे पहले जयप्रकाश लाल धागे वाले जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी टीवी पर आते थे, और उस समय हमारा टीवी के ऊपर, आस्था टीवी के ऊपर सिलेक्शन हो गया पढ़ाने के लिए। मैंने ये तय किया कि ये जो विद्या है ना, ये बड़ी साइंटिफिक है। इंजीनियरिंग का छात्र होने के कारण मुझे समझ आया कि इसका यूनिवर्स का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर है और इसको फैलाना चाहिए। मैंने ये उस समय सोचा आस्था टीवी के ऊपर। आस्था टीवी वालों ने मुझे पूछा कि आप सिखाना क्यों चाहते हैं। मैंने कहा कि ये विद्या दबी हुई है और अगर ये घर घर में विद्या फैल जाएगी तो हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। उसी समय बाबा रामदेव जी योग की शुरुआत कर चुके थे, हमने जयप्रकाश लाल धागे वाले जी ने, एक आचार्य सिद्धार्थ होते थे, उन लोगों ने मिलकर के इस ज्योतिष की शुरुआत करी और उसका परिणाम ये हुआ 20-25 सालों के अंदर आज घर घर में ज्योतिष है। घर की स्त्री भी जानती है कि मेरी राहु की दशा चल रही है और मेरा राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है। उस टाइम मुझे लोग बोलते थे, मेरा विरोध करते थे कि रावत जी आप सबको ज्योतिष सिखा दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर तो ज्योतिषियों के पास काम नहीं रहेगा। हमने कहा जितना आप इसको फैला दोगे उतना काम बढ़ जाएगा। और आज खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर घर घर के अंदर ज्योतिष है, ज्योतिषी बन रहे हैं, ज्योतिष में क्रेज पैदा हो रहा है, और जो रिटायर हो रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी रिटायर हो रहे हैं वो ज्योतिष सीख रहे हैं, चाहे वो जज है, चाहे IAS है, चाहे IPS है, वो भी ज्योतिष सीख रहे हैं। अभी मैं नेपाल से आ रहा था, नेपाल का सम्मेलन बड़ा भव्य हुआ, बड़ा सफल हुआ, तो मैं बैठा हुआ था फ्लाइट में, तो कार्तिक जी की मेरी बगल में 2 ऑफिसर बैठे हुए थे बहुत बड़े, एक IAS थे, एक IRS थे। मैं बात कर रहा था, मेरी बातों में उन्होंने इंटरेस्ट लिया, मैं टेलीफोन पर बात कर रहा था, मेरे को बोलते हैं आप ज्योतिषी हैं क्या, मैं कहा, कहता इसका प्रभाव कैसे होता है। मैंने उनको समझाया, बोला हम भी सीखेंगे, दोनों रिटायर IAS IRS, बोला हम भी सीखेंगे। इसलिए मित्रों आप अपने काम की गति को बढ़ा दो। अगर आप आज 8 घंटे काम कर रहे हो ना, आप 12 घंटे कर दो, मेरा दावा है कि आप भी इसी मंच पर चीफ गेस्ट बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि 4 घंटे रोज पढ़ोगे। मैं मानमंदर को भी यही कहता हूं, वैसे तो खुद ही बहुत पढ़ता है, फिर भी मैं कहता हूं, मैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं तुम्हारी पढ़ाई से, तुम 2 घंटे सोने से पहले, क्योंकि जब रात को पढ़ोगे और सुबह उठते ही जब आपके दिमाग की फाइल खुलेगी ना, तो सबसे पहले वो सूत्र याद आएंगे आपको जो रात को पढ़े थे, और वो जीवन में कभी आप भूल नहीं सकते। इसलिए अगर आपने अपनी मेहनत का लेवल बढ़ा दिया और समय के अनुरूप चलना शुरू किया, जो मैंने कहा ना काल ज्ञानम ग्रहधीनम, अगर आपने समय के अनुरूप चलना शुरू कर दिया, टाइम से उठे, टाइम से जग करके अपना ध्यान पूजा पाठ करके ज्योतिष का अध्ययन किया और समय से इस सम्मेलन में आ गए, अब जो समय से आ गए तो उन्होंने ये स्पीच सुन ली होगी,
और जो नहीं आए होंगे वो दूसरी बार सुनेंगे आकर के, वो YouTube पे सुन सकते हैं। इसलिए टाइम की मैनेजमेंट जिस ज्योतिषी की, जिस नेता की, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिस प्लेयर की टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी वो इस दुनिया में नाम रोशन करता है। इसलिए आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर लें, समय से हर जगह पहुंचें, डेली अध्ययन करें तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कार्तिक जी, ये तो आपकी बातों का जवाब। अगर आप चाहते हैं ज्योतिष पे कुछ बोलूं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी बात को, आज ज्योतिष नहीं तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। आध्यात्म से संबंधित, अभी जैसे मैंने प्राणों की बात की, मैंने ध्यान की बात की, मैंने अपान प्राण की बात की, इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो, दिल में शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देके अपनी बात रखूंगा। फिर बताइए सर, आपने आपने कई ज्ञान दिए, सबसे बड़ा जो चक्रा हीलिंग में थोड़ा सा बताइए, गाइड करिए कि कैसे अपने चक्र को एक्टिवेट करना है या पावर देना ताकि अपनी शक्ति को और बढ़ा सकें। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जैसे ज्योतिष में ग्रहों की रेत विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है, इसी प्रकार से हमारे चक्र दिखाई नहीं देते लेकिन इफेक्टिव है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी के अंदर जो चक्र है वो दिखाई नहीं देते, किसी को पता नहीं कहां पर है, लेकिन वो एहसास होता है। क्या होता है? एहसास होता है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लीथलनेस है, आलस है, आपको ऐसा फील होता है मेरी काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो इसका मतलब आपकी प्राण शक्ति वो कमजोर है और उसको एक्टिव करने की जरूरत है। पांच प्राण होते हैं, इन पांचों प्राणों के अंदर बारी बारी से एक्टिव करने की जरूरत होती है, और इनको एक्टिव कौन करता है? एक्टिव करता है हमारा मन। मन के अंदर एक्सरे किरणें होती है, मन को जिस चक्कर पे लगाओगे ध्यान करके, मन वहां पे जाता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन करता है और केमिकल रिएक्शन करने के साथ वो चीज एक्टिव होने शुरू होती है। आपने जैसे ही मन को किसी कॉमेडी के पास लेके गए तो आपको हंसी आ जाएगी, आपने वासना के पास लेके गए तो वासना जागृत हो जाएगी, आपने ताकत के पास मन को लेके गए तो शरीर के अंदर ताकत आनी शुरू होती है, आपने अपने मन को कहीं मेमोरी बॉक्स पर डाल दिया तो वहां से मेमोरी आनी शुरू होती है। इसका मतलब हमारे मन के अंदर जो एक्सरे किरणें होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर वर्क करती हैं, विजिबल नहीं होगी, इफेक्टिव होती हैं। अगर आपको आलस आता है, आपने अपने अपान प्राण जहां पर मूलाधार चक्र होता है मन को आप लेके जाइए, मन को बार बार वहीं पे लगाते रहिए, मन को लगाते रहिए, मन के अंदर पूरी एनर्जी और ऑरा होती है और वो बार बार जब एक ही जगह पे हिट करेगा तो वो चीज पावरफुल होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप बार बार किसी एक चीज को पिन पॉइंट करते हो तो वो चीज आपकी एक्टिव होती है, आपको लगता है मेरे को खुजली हो रही है, मेरे पैर को खुजली हो रही है, तो पैर खुजाना शुरू कर दोगे आप। इसका मतलब आपका जो मन है जहां पर जाएगा वहां पर वो एक्टिव होना शुरू होता है। इसलिए आप जिस चीज को लेके जाना चाहते हो, जहां पर भी आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हो, याददाश्त को इम्प्रूव करना चाहते हो, बोलने को इम्प्रूव करना चाहते हो, ताकत को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्टडी लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो फिर आपके मन को एकाग्र करके शरीर के अंदर उन्हीं पॉइंटों में डालना पड़ता है। इन पॉइंटों में अगर आप डालोगे तो वो चीज आपके ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ये एक विषय है, बड़ा लंबा विषय है, जो समय का अभाव है, और किसी को कोई एक प्रश्न पूछना है बताने के लिए बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान के अंदर कर सकते हैं, कई विधियां इनको जागृत करने की, कई मंत्रों के माध्यम से करते हैं, कई ओम की चैटिंग के माध्यम से करते हैं और कई बोल के ना करके ध्यान के माध्यम से करते हैं, ये बहुत आसानी से एक्टिव हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी काम को करने से पहले एक संकल्प लेने की विधा होती है, जैसे कि कार्तिक जी ने कहा, संकल्प का मतलब होता है आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक कमांड दे दो कि मैं कुछ समय के लिए अपने ब्रह्मरंध्र से
बाहर जा रहा हूं, मैं द्वापर युग में जा रहा हूं, मैं अंतरिक्ष को जाना चाहता हूं, मैं ग्रहों की गति को देखना चाहता हूं, चंद्रमा कैसे काम करता है मैं उसको देखना चाहता हूं, और आप कमांड देकर के बाहर निकल जाओ। आपने कमांड यहां पर दी है, वो कमांड वापस आपको उस समय के बाद लेके आ जाएगी। कोई खतरे वाली बात नहीं है। खतरा तब होगा जब आपने विदाउट संकल्प और आपने कमांड दे दी कि ठीक है मैं ध्यान में बैठ गई हूं, आपका मन बुद्धि एकाग्र होकर अंतरिक्ष में चले गए और वापस आने का रास्ता नहीं पता। और जब वापस आने का रास्ता आपको नहीं पता होगा तो उस समय आपका मन भटक जाएगा और वापस बॉडी में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में आदमी पागलों की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसा ओशो सेंटरों में कई जगह देखने को मिला है और बहुत सारे मेडिटेशन सेंटरों में भी देखने को मिलता है। इसलिए ये गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय अनुज को, और इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, राजन भाई कृपया स्टेज पर बधाए। हमारे डेप्यूटी अहमदाबाद के कलेक्टर है, डेप्यूटी कलेक्टर श्री भरत भाई दवे जी, अंजलि जी कृपया स्टेज पर बधाए। आज एक साथ सर्वों को खड़ा होना है। रावत जी को 50वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर हम देंगे, क्योंकि 49 का मैंने सुना था शायद उनको नेपाल में मिल चुका है। और आज एक सहयोग हमारे साथ हम नया करेंगे कि पिता और पुत्र दोनों को साथ में रखकर उनका हम आज अभिवादन करेंगे। तो मैं मानवेंद्र जी को बोलता हूँ कृपया वो भी स्टेज पर आए और उनके कर कमलों से उनके पिताजी को आज लाइफ टाइम अवार्ड मिले। तो आप लोग भी एक बार खड़े हो जाइए कि ऐसे ही हमारी भी प्रगति होती रहे। हाफ सेंचुरी की भारत भाई खंडेरिया, जोरदार तालियां। कार्तिक भाई जी, हाफ सेंचुरी बनवाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र भाई भैंसगढ़िया जी कृपया स्टेज पर बधाए। बंसल साहब जी, जय प्रकाश जी, आप भी बता दिए। चलिए तो